भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिले हैं जयंत मलैया। दमोह उपचुनाव में हार के बाद मलैया को नोटिस दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा के सामने मलैया ने अपने पक्ष रखा। मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को भी बीजेपी निष्कासित कर चुकी है। दमोह उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई थी। वीडी शर्मा से मिले हैं जयंत मलैया। दमोह उपचुनाव में हार के बाद मलैया को नोटिस दिया गया था, तो वीडी शर्मा के सामने जयंत मलैया ने अपना पक्ष रखा है। मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को भी बीजेपी निष्कासित कर चुकी है। दमोह उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई थी। तो वीडी शर्मा से मिले हैं जयंत मलैया और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है। तो नोटिस दी गई थी दमोह उपचुनाव में हार के बाद मलैया को नोटिस दिया गया था। तो जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को बीजेपी ने निष्कासित किया था और दमोह उपचुनाव में हार के बाद नोटिस जारी की गई थी और उसके बाद वीडी शर्मा से मिले हैं जयंत मलैया, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है। तो दमोह उपचुनाव में हार के बाद मलैया को ये नोटिस जारी किया गया था और हार क्यों ही इस कारण को जानने की कोशिश की गई थी और नोटिस जारी किया गया था। सिद्धार्थ मलैया को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था, तो अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे हैं वीडी शर्मा से मिलने के लिए जयंत मलैया। नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नवीन, दमोह उपचुनाव में पूरी उम्मीद थी बीजेपी को कि उनके खाते में ही ये सीट आएगी, लेकिन नहीं आई, तो जाहिर सी बात है उसका कारण ढूंढा जाएगा और इसी कड़ी में नोटिस जारी किया गया था जयंत मलैया को। जानकारी दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से 6 बार के विधायक रहे हैं जयंत मलैया। मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बुंदेलखंड से आते हैं और बुंदेलखंड के भी एक बड़े नेता के तौर पर मध्यप्रदेश में शोहरत रखते हैं। जयंत मलैया पिछले चुनाव हारे थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। जो उपचुनाव हुआ उसमें राहुल लोधी प्रत्याशी थे और उन पर ये आरोप लगा है और किसी और ने नहीं बल्कि जो बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी था उसने ये आरोप लगाया है कि जयंत मलैया और उनके परिवार ने उसको हराने का काम किया है। जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया ने काम नहीं किया, पार्टी विरोधी काम किया और उनको हराने का काम किया है, तो ये शिकायत हुई थी। इसके बाद काफी बयानबाजी भी हुई थी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि पार्टी के भीतर कुछ जयचंद है। नरोत्तम मिश्रा का इशारा शायद जयंत मलैया की तरफ था। राहुल लोधी जो कि प्रत्याशी थे उन्होंने भी सीधे तौर पर आरोप लगाए थे। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, बुंदेलखंड से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इशारों में ही आरोप लगाए थे। तो माना जा रहा था कि जरूर मलैया परिवार पर कुछ न कुछ अनुशासन की कार्रवाई होगी। वीडी शर्मा ने एक नोटिस जारी किया था और 10 दिनों के भीतर उनको जवाब दाखिल करना था और आज इसी सिलसिले में मलैया पहुंचे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि मलैया और वीडी शर्मा के बीच में क्या बातचीत हुई, लेकिन ये तय है कि जयंत मलैया ने अपना पक्ष रखा होगा। इसके पहले मीडिया से बातचीत के दौरान जयंत मलैया बार बार ये कहते रहे हैं कि राहुल लोधी अपने क्षेत्र में हारे हैं तो शहरों से क्यों उम्मीद कर रहे थे। चूंकि राहुल लोधी ने आरोप लगाया था कि शहरी जो वार्ड थे वहां पर जयंत मलैया और उनके परिवार का दबदबा था और वोटिंग में उन्हीं जगहों से बीजेपी के प्रत्याशी हारा है। इस पर जयंत मलैया ने जवाब भी दिया था। जयंत मलैया ने कहा था न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई है बल्कि बीजेपी कैंडिडेट का जो प्रभाव वाला क्षेत्र था देहात क्षेत्र वहां भी वोट नहीं पड़े भारतीय जनता पार्टी को, इस वजह से उसकी हार हुई है। तो मुझे लगता है यही सारी सफाई यही सारे बातें उन्होंने वीडी शर्मा से अभी कुछ देर पहले की मुलाकात में कही होंगी। हालांकि आरोप उन पर पार्टी के तमाम नेताओं ने लगाए थे। इसके पहले वीडी शर्मा ने जयंत मलैया को नोटिस जारी किया था और 5 जो मंडल अध्यक्ष थे वहां के उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की थी। उन सभी पर पार्टी के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप था। राहुल लोधी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको चुनाव हरवाने का आरोप था, तो उन पर उन 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है और एक जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया पर भी कार्रवाई हुई है। तो ये माना जा रहा था कि जयंत मलैया पर भी पार्टी एक सख्त एक्शन लेगी। हालांकि अभी मुलाकात हुई है, अभी जयंत मलैया ने अपना पक्ष रखा है। माना जा रहा है कि हफ्ते भर के भीतर पार्टी मलैया पर जो भी कार्रवाई करनी है करेगी। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे जिससे 28 सीटों के जो उपचुनाव हुए थे, गौरीशंकर शेजवार जो बीजेपी के एक बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री रहे हैं,
उन्होंने और उनके बेटे ने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया था, तो जिस तरीके से पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, उनके बेटे के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, तो ये माना जा रहा था इस पूरे मामले में, नवीन, इस पूरे मामले में ये चीज तो सामने आ गई है कि बीजेपी की अंतर्कलह का नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ा और इसीलिए शायद नोटिस भी जारी करके तलब किया गया था जयंत मलैया को। बिल्कुल, जो बीजेपी का इंटेलिजेंस है वहां से भी लगातार ये बात, ये शिकायत रिपोर्ट हो रही थी चुनाव के वक्त, चुनाव के बीच में ही, कि जयंत मलैया और उनका परिवार बहुत ज्यादा बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पार्टी की जो लाइन है उस लाइन पर बीजेपी के लिए दोनों ही पिता पुत्र काम नहीं कर रहे हैं, तो ये शिकायतें चुनाव के दौरान ही बार बार आलाकमान को मिल रही थी। यही वजह थी कि आलाकमान ने वहां पर भूपेंद्र सिंह को लगाया था, प्रहलाद पटेल को चुनाव संचालन के लिए लगाया था, गोपाल भार्गव को लगाया था, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरे किए थे, वीडी शर्मा ने खुद आखिरी वक्त में वहां पर कैंप किया था, तमाम बड़े नेता मंत्री वहां लगे हुए थे। शायद यही शिकायतें थी और इन शिकायतों में काफी हद तक सच्चाई थी, इसी वजह से पार्टी ने अपना पूरे आला कमान को, सीनियर लीडरशिप को वहां झोंक दिया था ताकि किसी भी तरीके से चुनाव जीते और उसके बाद मलैया परिवार को एक तगड़ा सबक सिखाया जाए। हालांकि पार्टी के प्रत्याशी की वहां हार हुई है, अब कार्रवाई तो पार्टी जरूर करेगी, शुरुआती कार्रवाई कर दी है। चलिए, अब आज अपना पक्ष जयंत मलैया ने रखा है, क्या कुछ बातें हुई हैं ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये भी पता चलेगा। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए।